मित्रों नमस्कार। आइए एक चर्चा स्वयं की पहचान को लेकर करते हैं। स्वयं की पहचान मतलब राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र का निर्माण, इसी को लेकर एक छोटी सी चर्चा है। किसी भी देश को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे कारगर हथियार वहाँ के नागरिकों में हीन भावना का निरंतर विस्तार होता है, जहाँ लोग स्वयं के खान पान, भाषा, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति को दूसरे से कम और कमजोर स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा मानते ही वह देश सदा के लिए अपनी पहचान खो देता है, और पहचान खत्म होते ही जो आक्रांता है धीरे धीरे वहाँ के नागरिकों को जैसा चाहता है बना लेता है। तो हमारे यहाँ अंग्रेजी शासकों ने अपनी सत्ता अक्षुण्य रखने के लिए यही सब किया, और काले अंग्रेजों का सफलतापूर्वक निर्माण किया, जो रंग रूप में हमारे जैसे ही दिखते हैं, परंतु वास्तव में वह कुछ और हो चुके हैं, और हमें ही मिटाने में निरंतर लगे रहते हैं। तो वह कौन लोग हैं? क्योंकि हमारे जैसे ही दिखते हैं तो उनकी पहचान बहुत आसानी से नहीं हो पाती है, और बोली और भाषा भी हमारी जैसी ही है, तो इसलिए वह बड़ी आसानी से हमारे बीच छुपे रहते हैं। तो ऐसे में जो सबसे जरूरी चीज़ है वह है हमारी चेतना का जागृत होना, और उन्हें पहचानने के लिए सबसे आवश्यक अगर कोई चीज है तो यही है, और यह काम हम सबको खुद ही करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम किसी और के मत्थे अपनी जिम्मेदारियां मढ़ते रहेंगे और किसी और को अपने काम के लिए ढूंढते रहेंगे? या यूं कहें कि ये जो पलायनवादी तरीका है खुद को बचाते रहने के, इस आदत से कभी न कभी तो मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, और यह आदत हम नहीं छोड़ेंगे तो आगे भी इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। और यह जागरण का वक्त है, और जागरण के लिए अब किसी और वक्त का आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि यही वक्त है और यही सही वक्त है जो अभी है। क्योंकि जिस सुनहरे कल की उम्मीद हम लोगों ने कल किया था, वह वाला कल आज ही है, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। इसलिए उठने जागने की जो जिम्मेदारी है वह हम सबकी अपनी है, और हम कैसे रहेंगे यह हम आज कैसे हैं इसी से तय होता है। तो जग जाइए और अपनी वास्तविकता को पहचानिए, और इसके लिए हमें स्वयं ही अनुसंधान करना होगा। हमारे बारे में जो बातें बताई कही जाती हैं, खास तौर पर हमारी मान्यताओं के बारे में, तो उसे खुद ढूंढने, पढ़ने और जानने की आवश्यकता है। कोई कह रहा है मात्र इसलिए किसी बात को मत मान लीजिए। सिर्फ समर्थक और विरोधी होकर हमें नहीं रहना है, शब्दों का अनुसंधान करना है, ज्ञान का अनुसंधान करना है, और स्वयं का अनुसंधान करना है कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और हमें क्या बनना है, यह सब इसी से तो तय होता है। तो आइए स्वयं का निर्माण करते हैं और एक बेहतर कल के लिए आज ही लग जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।